माइनक्राफ्ट की दुनिया एक रहस्यमय दुनिया है, जिसके जितने ज्यादा अंदर आप खोदोगे वो उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाती है। और अगर आप मेरे साथ मेरी माइनक्राफ्ट की पिछली दो वीडियो से जुड़े हो तो अब तक आप समझ चुके हो कि माइनक्राफ्ट की स्टोरी एंडरमैन और उसके एंड से ज्यादा गहरी है। और हमने जो माइनक्राफ्ट को समझने की कोशिश की है वो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि माइनक्राफ्ट के असली रहस्य किसी डर्ट ब्लॉक की तरह हमारे सामने नहीं, बल्कि जिस तरह डायमंड जमीन के गहराई में छिपे होते हैं उसी तरह माइनक्राफ्ट के रहस्य भी उसके कैरेक्टर्स के गहरे ओरिजिन और उसमें मिलने वाली चीजों के अंदर छिपे हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो वैसे तो किसी काम की नहीं लगती, पर अगर आप थोड़े गहराई से सोचो तो वो किसी कारण से माइनक्राफ्ट में है और हमें समझने में मदद करते हैं कि माइनक्राफ्ट की दुनिया में असल में क्या हुआ था। और ऐसी ही एक चीज है विदर। विदर जिसका माइनक्राफ्ट में होना ही एक बड़ा सवाल है, पर अगर आप मुझे थोड़ा ध्यान से सुनो तो इस वीडियो के एंड तक आप भी समझ जाओगे क्यों विदर माइनक्राफ्ट की दुनिया में एक बहुत जरूरी मॉब है। ये तीन मुंह वाला हवा में उड़ता मॉब ना सिर्फ अपने घातक विदर इफेक्ट से किसी की भी धड़कन रोकने के लिए मशहूर है, बल्कि ये पूरी माइनक्राफ्ट में सबसे ताकतवर मॉब है, एंडर ड्रैगन से भी ताकतवर, और जिसका सिर्फ एक ही काम है और वो है तबाही मचाना। और जिस तरह हमें एंड वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए एंडरमैन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह विदर को इस दुनिया में लाने के लिए हमें खास विदर स्केलेटन्स की जरूरत पड़ती है, जो अपने विदर इफेक्ट के साथ नेदर फोर्ट को गार्ड करने वाले खास मॉब हैं। और विदर जो किसी दूसरी दुनिया से आया मॉन्स्टर लग सकता है, पर जब हम माइनक्राफ्ट में मिलने वाले डेजर्ट टेम्पल में खास चिसल्ड रेडस्टोन ब्लॉक को देखते हैं तो हम पाते हैं उस पर अजीब विदर की ड्राइंग, जिसका मतलब जो भी हमसे पहले वहां था उन्हें उसके होने की जानकारी थी। पर अगर विदर इतना ही खतरनाक मॉब था जो किसी को भी तबाह कर देता था, तो फिर ऐसा कौन था जिसने उसे बनाया? विदर स्केलेटन कहां से आए? क्यों हम विदर को बनाते हैं? और अगर हमारे आने से पहले विदर था तो फिर वो कहां गायब हो गया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें अपनी ओरिजिनल माइनक्राफ्ट की स्टोरी के उस समय में जाना होगा जब हमारे समझदार बिल्डर्स ने एन्चेंटिंग के सीक्रेट्स को जाना था। और अगर आपने अभी तक माइनक्राफ्ट की ओरिजिनल स्टोरी नहीं देखी तो आपको वो जरूर देखनी चाहिए। और जब आप उसे देखने जाओ तो साथ में सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप एम्पायर ऑफ क्लैश की और भी रसीली स्टोरीज को ऐसे ही सुनते रहो। तो विदर की कहानी शुरू होती है जब पुराने समय में बिल्डर्स को नेदर के बारे में जानकारी मिली थी। नेदर का रास्ता खोलना एक बड़ी बात थी, और भले ही जो वो अब तक करते आ रहे थे वो सब खतरनाक था, पर नेदर में जाना और वहाँ से अपनी खोई आत्मा को लाना बिल्कुल ही अलग बात थी। वो ना सिर्फ अपनी खोई आत्मा को जगाना चाहते थे, बल्कि वो बिल्डर्स जिंदगी और मौत के ऊपर जीत पाकर किसी भगवान जैसी शक्ति पाना चाहते थे। पर पुराने समय में भी कुछ विलेजर्स इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने पहले ही उस मैजिक को पाने के लिए अपनी आत्मा को खो दिया था। और जिस तरह से माइनक्राफ्ट में मैजिक काम करता था, उनमें से किसी को नहीं मालूम था कि खोई आत्मा को वापस जीवित करने जैसे बड़े मैजिक के लिए उन्हें क्या कीमत चुकाने पड़नी थी। और अगर उस समय में सिर्फ अच्छे समझदार बिल्डर होते तो शायद वो जो करने वाले थे उसे करने से पीछे हट जाते, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उन बिल्डर्स में भी कुछ ऐसे थे जिन्हें और ताकत चाहिए थी, और आम इंचेंटिंग उनके लिए काफी नहीं थी। उन्हें और जानना था, उन्हें सब कुछ अपने कंट्रोल में करना था। और ऐसे ही विलेजर थे पुराने समय के इंचेंटर्स। वो बिल्डर्स की तरह चीजें बनाने में तो एक्सपर्ट नहीं थे, पर अपने मैजिक की नॉलेज से वो किसी भी बिल्डर की क्रिएशन से ज्यादा ताकतवर थे। और जब उन एंचेंटर्स को नेदर के बारे में पता चला तो उनके मन में कालापन आ गया। वो उससे एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जिस पर उनका कंट्रोल होना था। और वो उस समय तक समझ गए थे कि इस दुनिया में जिसके पास ज्यादा जानकारी थी वो ही सब पर कंट्रोल करने वाला था। और इसके साथ उनकी खोज शुरू हो गई नेदर को समझने की, और उनकी मैजिक की नॉलेज जल्द ही डार्क मैजिक में बदल गई। जो बिल्डर उनके साथ थे वो जानते थे कि उन्होंने नेदर का रास्ता खोलकर गलती कर दी थी। वो सभी पोर्टल को तोड़ने में सफल तो रहे थे, पर वो जानते थे कि उन्होंने देर कर दी थी, क्योंकि उस समय तक एंशिएंट एन्चेंटर्स ना सिर्फ उन बिल्डर्स से ज्यादा जानते थे, पर वो ऐसी चीजें बना रहे थे जिसका वो सामना नहीं कर सकते थे। और ये वही समय था जब एंडरमैन भी ओवरवर्ल्ड में देखे जाने लगे थे। पर जहां बिल्डर उनसे डर रहे थे या ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि एंडरमैन क्या कहना चाहते थे, पर उनसे उलट एंशिएंट एन्चेंटर्स को इसमें ज्यादा दिलचस्पी थी कि वो कैसे एंडरमैन की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्डर्स भले ही ये नहीं जानते थे, पर एन्चेंटर्स जानते थे कि उनकी आपस में दुश्मनी बढ़ने ही वाली थी, क्योंकि उन्होंने जल्द ही अपने मैजिक से बिल्डर के द्वारा बनाए नेदर फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। और अपने नए शानदार नेदर फोर्ट को डिफेंड करने के लिए उन्हें पता था कि उन्हें एंडरमैन जैसे ताकतवर मॉब की जरूरत थी, ताकि वो अपनी रिसर्च बगैर किसी परेशानी के पूरा कर सके। उनके लिए कुछ भी नया करना मुश्किल हो सकता था, पर वही एंडरमैन जो बिल्डर की क्रिएशन को देखकर प्रभावित थे
उनमें से कुछ एनचेंटर्स की एबिलिटीज को देखकर भी प्रभावित थे और इस बात से अनजान कि उन एनचेंटर्स के मन में क्या था, उन एंडरमैन ने उन्हें भी वो बताया जो उन्होंने बिल्डर को बताया था। पर किसी आई को पाने से ज्यादा वो एनचेंटर्स एंडरमैन को अपनी साइड करना चाहते थे, पर एंडरमैन को पकड़ना वो उन एनचेंटर्स के लिए भी मुमकिन नहीं था। इसलिए परेशान होकर उन्होंने फैसला लिया कि अगर वो उसे पकड़ नहीं सकते तो वो उसे बनाएंगे। वो जानते थे कि उन्हें एंडरमैन बनाने के लिए जो चाहिए था नेदर में वो सब था, इसलिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पिक से शुरू किए। और जब उन्हें यकीन था कि वो एंडरमैन की नकल बना सकते हैं तो उन्होंने सबसे बढ़िया नेदर फॉसिल की हड्डियों को इकट्ठा किया और अपने एक्सपेरिमेंट को अगले लेवल पर लेने के लिए तैयार थे। उन्हें मालूम था कि उन्हें एक ताकतवर गार्ड बनाने के लिए अच्छी हड्डी से कुछ ज्यादा की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उसमें सब कुछ डाला, कोल से लेकर एंडरमैन के पल तक। पर जब उनका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, उनके सामने कोई एंडरमैन नहीं था बल्कि एक काला स्केलेटन था जो एंडरमैन की तरह लंबा तो था पर उनकी आंखों में खालीपन था, जिसे देखकर वो सोच रहे थे कि क्या उन्होंने कुछ मिस कर दिया, क्या उनके फॉर्मूले में कोई गलती थी। पर नई चीजों की तलाश करने वाले एनचेंटर्स इस बात से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उन्होंने क्या मिस कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता था कि एंडरमैन जीवित ही नहीं थे, या फिर उन्होंने कोल की तरह उसमें बाकी एलिमेंट कम डाले थे, या फिर उनके मैजिक में कोई गलती थी। पर फिर उन्हें याद आया कि माइनक्राफ्ट का मैजिक कैसे काम करता था, पर वो क्या मिस कर रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसलिए बूथ से फेल एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने तंग आकर गुस्से में उन सब स्केलेटन्स को फेंक दिया, पर उन्हें नहीं मालूम था कि वो कुछ नया ढूंढने वाले थे क्योंकि जो स्केलेटन्स उन्होंने फेंके कुछ उनमें से एक खास ब्लॉक पर गिरे जिसके बारे में एनचेंटर्स को भी अब तक नहीं पता था। वो नहीं जानते कि उस प्रोसेस को होने में कितने साल लगे, पर एक दिन वो स्केलेटन अचानक से जीवित हो उठे थे। उनकी आंखों में अब भी वो खालीपन था, पर उनकी सोच से उलट उनकी वो क्रिएशन बहुत ताकतवर थी और जिसे भी वो छूते उसमें से उसकी लाइफ बाहर निकलने लगती। उन्हें वो व्यवहार समझ नहीं आया, पर वो इफेक्ट किसी विदर की तरह था, यानी जिसे भी वो छूते वो डीकम्पोज होने लगता। और क्योंकि उन्हें एनचेंटर्स ने बनाया था इसलिए वो उनके लिए मास्टर थे और सिर्फ उन्हें ही अटैक करते जिसे वो कहते। तो इस तरह उन एनचेंटर्स ने गलती से विदर स्केलेटन को बनाया जो उनके नेदर फोर्ट को हमेशा के लिए डिफेंड करने वाले थे। पर बुरे इरादे रखने वाले एनचेंटर्स यही नहीं रुकने वाले थे, वो जानना चाहते थे कि वो अजीब रेत और क्या करने की क्षमता रखती थी। उन्हें अब तक ये समझ आ गया था कि उस रेत में आत्मा क्या थी जो उसमें से बाहर निकलने के लिए चिल्ला रही थी, और अगर उन्हें कोई खाली शरीर मिलता तो वो उसी पल उसमें चली जाती। पर वो जानना चाहते थे कि वो उस सोल सैंड को कहां तक ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने उस पर और एक्सपेरिमेंट किए। वो जानते थे कि कैसे बिल्डर चीजों को खास पैटर्न में रखकर नई चीजें बनाते थे, इसलिए अपने अल्टीमेट एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने सोल सैंड को किसी खड़े इंसान की तरह रखा। वो उस पर एंडरमैन रखना चाहते थे, पर उनके पास सिर्फ विदर स्केलेटन ही था जिसमें एंडरमैन का कुछ पार्ट था। उन्होंने उस पैटर्न पर एक विदर स्कल रखा, पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या उन आत्मा को शरीर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने उस पर और स्कल रख दिए। वो भी नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे थे, पर तीसरे स्कल को रखते ही बड़ा सा धमाका हुआ और उनके सामने एक बड़ा सा तीन मुंह वाला विदर था। वो उसे देखकर पहले तो खुश हुए, पर जल्द ही उन्होंने पाया कि विदर स्केलेटन की तरह उनके कंट्रोल में नहीं था और वो हर जगह तबाही मचाने लगा, जिसे देख उन्होंने नेदर से भागने का सोचा। पर विदर भी उनके साथ वहां से ओवरवर्ल्ड में आ गया, और जब वो नॉर्मल वर्ल्ड में पहुंचा, एंशिएंट बिल्डर और बाकी के विलेजर ने उस जैसा कुछ पहले नहीं देखा था। पर एनचेंटर्स ने जो उनके साथ नेदर में किया था उसका बदला लेने के लिए उन्होंने उन्हें एंड पोर्टल के बारे में नहीं बताया। विदर इतना बड़ा और खतरनाक था कि जिसने भी उसे एंशिएंट टाइम में देखा वो उसे बुला नहीं सकता, इसलिए हम डेजर्ट टेंपल में विदर की पेंटिंग देखते हैं। वो दुनिया का एंड हो सकता था या फिर एक नई दुनिया की शुरुआत, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि उसमें वो महान बिल्डर नहीं बचे थे। और रही एनचेंटर्स की बात, हम जानते हैं वो अब भी इन जंगलों में कहीं छिपे हैं और ताकतवर बनने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। पर समय के साथ विदर गायब हो गया, और ऐसा हो सकता है कि उन एनचेंटर्स ने वो बना लिया जो वो बनाना चाहते थे और उसे हरा लिया, या फिर एंडरमैन ने उसे हराने में मदद की हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई था जो उन सबसे ताकतवर था और विदर को हराने की क्षमता रखता था। ये मिस्ट्री हम आने वाली वीडियो बाकी कैरेक्टर्स के ओरिजिन से जानेंगे। पर जब कई साल बाद हमारे हीरोज आते हैं और वो विदर को स्पॉन करते हैं अपने पूर्वज से मिली जानकारी से, वो ये ताकत के लिए नहीं कर रहे होते, वो पुराने समय में की गई गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब वो विदर को देखते हैं वो जानते हैं कि विदर बुरे नहीं थे, बस वो इतनी सारी आत्मा जो उसमें कैद थी वो कंफ्यूज थी, वो आपस में लड़ रही थी, वो ये तबाही नहीं चाहती थी, वो बस आजाद होना चाहती थी। इसलिए जब हमारे हीरोज विदर को मारते हैं वो उन सब आत्मा को फ्री करते हैं, और ऐसा करने के लिए वो उन्हें एक नेदर स्टार देते हैं जिसे एक शानदार बीकन पर लगाकर हमारे हीरो एक नई दुनिया की उम्मीद के लिए लाइट जलाते हैं। और ऐसा करने के लिए वो आत्माएं
खुश होकर हमारे प्लेयर को वो एबिलिटी देती है। तो ये थी स्टोरी विदर की, और इससे पहले आप इस वीडियो पे एक जोरदार लाइक दबाओ। मैं जानता हूँ आप में से माइनक्राफ्ट के वेटरन और कुछ जिनके पास अपनी भी थ्योरी है, वो इसे गेम थ्योरी पर मैटपैट की विदर की थ्योरी से कंपेयर करेंगे। वो एक अच्छी थ्योरी है, पर जिस तरह इस स्टोरी में कुछ कमी है, उसमें भी कुछ कमी है। जैसे कि उसमें भी हम ये नहीं जानते, अगर विदर को पुराने समय में स्पॉन किया गया था तो फिर उसे गायब किसने किया, और उस वीडियो में सिर्फ एंशियंट बिल्डर्स ही हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ एंशियंट बिल्डर्स ही नहीं थे, उस समय में दो फोर्सेस थी। पर अगर आप इस स्टोरी को गेम प्ले की बजाय स्टोरी की तरह देखो तो मुझे यकीन है कि आपको यह ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और आपके बहुत से सवालों के जवाब भी देगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, पर जाने से पहले कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, क्लैश ऑफ क्लैन से वार्डन ऑफ नॉर्थ की, माइनक्राफ्ट से क्रीपर की स्टोरी या वार्डन की स्टोरी, या फिर आप ब्रॉल स्टार से ब्रॉलर लू की स्टोरी सुनना चाहते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं।